कहानियों के अनुसार सेंटा क्लॉज सब बच्चों को खिलौने देते हैं जो अपने 8 उड़ने वाले हिरणों के साथ आते हैं, लेकिन ये कहानी सच्चे व्यक्ति पर आधारित है। साल 270 में सेंट निकोलस नाम के व्यक्ति थे जो मायरा में रहते थे। सेंट निकोलस एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ये रात को जाकर बच्चों के जूते में सिक्के और खिलौने डाल आते थे और जो वहाँ की गरीब लड़कियाँ थीं उनका दहेज भी ये खुद ही देते थे। इन कृत्य के बाद वहाँ के लोगों ने बच्चों को इनकी तरह गिफ्ट देना शुरू कर दिया और इनको हर साल याद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सेंटा क्लॉज के जो लाल कपड़े हैं वो कोको कोला ने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पहनाए थे। कम समय में बेहतर नॉलेज के लिए सब्सक्राइब बटन के कपड़े भी उतार दीजिए, वो भी कोको कोला को प्रमोट कर रहा है।